राधा क्या हो रहा है भैया? हमारे यूपी की एक शेरनी आगे बढ़ रही है तो उसको क्यों पीछे करें? बिल्कुल 29 रुपए का रिचार्ज हो रहा है, सोचिए 29 रुपए कितना खा के सब थूक देते हैं लेकिन 29 रुपए का रिचार्ज करके आप लोग प्लीज हमारी शिवानी कुमारी को आगे बढ़ाइए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। भैया आप आइए, जल्दी आइए, यहाँ पे देखिए वोटिंग चल रही है, जल्दी आइए आप। ऐसे हो रहा ना ऐसे तो दोस्तों देखिए यहाँ शिवानी की वोटिंग चल रही है। बहुत आसान है वोटिंग करना, आप लोग प्लीज जाइए जल्दी जल्दी। सर जी आप भी करेंगे वोटिंग? आ जाइए, किसका सपोर्ट करेंगे? किसका सपोर्ट? कुमारी का, शिवानी कुमारी का, किसका करेंगे? शिवानी कुमारी का ना, क्योंकि शिवानी जी गाँव की है बेचारी, गाँव की नहीं है, उतना मेहनत चीज दिखाती है उसका। अगर आप ब्लॉग देखेंगे ना बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होंगे भाई, वो मतलब बहुत ज्यादा मेहनत से वहाँ पहुंची। लोग तो अगर आगे बढ़ती है ना तो सबसे पहले शिवानी कुमारी को देख के, जो कुमारी लड़कियां हैं शिवानी कुमारी को देख के ही आगे बढ़ती हैं। हम ब्लॉगिंग नहीं करते थे, उसको देख के और आपको देख के ज्यादा करते हैं। तो दोस्तों हम आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने कितने आसानी तरीके से जियो ऐप से पहले हमने प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड किया, फिर उस पर 29 रुपये का रिचार्ज किया। भैया ने, इन्होंने और सिद्धार्थ थे, सभी लोगों ने मिलके वोटिंग करी और सभी लोगों ने रिचार्ज करके वोटिंग करी। आप लोग समझ सकते हैं, सही बात है, अगर 29 रुपये में कोई गांव की लड़की आगे बढ़ती है तो यार इतने 29 रुपये पता नहीं कितने नौछावर कर देंगे। और आप लोग समझ सकते हैं, जो भाई, जो ऐसे गुरु जी और ऐसे हस्बैंड जिनके हैं, अगर आप लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ तक आए हैं तो इन्हीं लोग का हाथ है। हस्बैंड ने सपोर्ट किया, पीछे से भैया का हाथ था हम लोग के ऊपर तो हम लोग यहाँ तक आए। इसी तरीके से उस बहन बेटे के ऊपर भी किसी ना किसी का हाथ है जो कि आज वहाँ तक पहुँची है। और आज उसको आप लोग के लाइक शेयर सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है, शिवानी कुमारी को आज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब की उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज उसको जरूरत है सिर्फ आप लोग की वोटिंग की। आप लोग जितना वोट करिएगा, और समय बहुत कम, एकदम जमीन समझ लीजिए आधे घंटे से भी कम समय रह गया है, और अब बस 20-25 मिनट है। तो प्लीज़ जो लोग नहीं कर पाए हैं वोटिंग, आप से जाके वोटिंग करिए। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर किसी गांव की बहन बेटी आगे बढ़ती है तो उसको आगे आप लोग बढ़ाइए, आप लोग थोड़ा आगे बढ़ाइए। क्योंकि ऐसे ही देखिए, भैया ने भी किस तरीके से हमको समझाया, नहीं आता था कुछ भी करना लेकिन हिम्मत करके यहाँ तक आए हैं। ऐसे ही हर एक चीज़ समझाया है इन लोगों ने, और समझते और सीखते आज खुद के हाथ में है और मेरे आगे भी कैमरा रहता है। आप लोग जानते हैं, आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। और हम लोग भी ये चीज़ चाहते हैं, हम लोग का भी सपना है कि अगर एक लड़की होके वहाँ तक बढ़ी है तो हम लोग तो शादीशुदा हैं। हम लोग के पीछे तो भैया का हाथ है, हस्बैंड का हाथ है, माता पिता का सबका हाथ है, लेकिन शिवानी कुमारी के ऊपर सिर्फ माँ का हाथ है। पिता का प्यार शिवानी कुमारी को मिला नहीं है। मैं ब्लॉग शुरू से देखी हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है, भाई शिवानी कुमारी की एक भी नहीं है। सिस्टर है, सिस्टर खाना पीना घर में हर एक चीज़ करती हैं। शिवानी कुमारी ने ही अपना घर A to Z जो भी है संभाल के, शिवानी कुमारी ने ही अपना पूरा घर मैनेज किया, घर बनवाया, जमीन, मतलब जो भी है, बहुत संघर्ष करी है छोटी सी उम्र में। अभी 22 साल की उम्र में वो बिग बॉस में है। आप लोग खुद दिमाग लगाइए, माइंड लगाइए कि 22 साल की उम्र में बिग बॉस में है तो सोचिए 28 और 30 साल की उम्र में वो कहाँ जाएगी। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारी शिवानी कुमारी, हमारी जो शेरनी है, आगे बढ़ते रहे और आगे तरक्की करते रहे। और कुछ कमेंट करके इस हमारी गधी सिस्टर को भी समझाइए। हम देखिए, अगर हम किसी को डांटते हैं तो बस समझ लीजिए कोई ना कोई वजह, कुछ ना कुछ रीजन होता है, इसलिए हम लोग डांटते हैं। वरना अगर हम लोग नहीं चाहते हैं कि अभी हमको क्या मिलेगा, वीडियो बनाओ चाहे मत बनाओ, हमारा क्या जाएगा, कुछ जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन हम स्टूडियो पर रह के आगे बढ़े हैं और हम यही चाहते हैं कि जो स्टूडियो पे आए वो मेहनत करके आगे बढ़े और एकता रखे, हर सबसे मिलजुल के रहे, सबसे मिलजुल के वीडियो बनाए। प्रॉब्लम नहीं, अगर ये डांटती नहीं तो मैं आज ब्लॉग नहीं बना पाती, इन्होंने इनकी बातें मुझे लगती तभी तो मैं कर पाती हूँ। और हम चाहते हैं सिर्फ इसी को नहीं, सबको, हम जो बोलते हैं खर्रा बोलते हैं, अगर किसी को आगे बढ़ना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, डांट बोली ताना लड़ाई झगड़ा गाली सब चीज सुनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बढ़े हैं ना ये दिल जानता है। और हमारे हस्बैंड तो आप लोग जानते ही हैं, बाकी का है, हमारे हस्बैंड इतना हमारा साथ दिए हैं, सपोर्ट किए हैं कि हमको भगवान का और हस्बैंड का ही सपोर्ट है, बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो बात तो सही है, वो तो हम अपनी फैमिली को, वो तो हमेशा बोलते हैं कि फैमिली का सपोर्ट है, लेकिन अगर आप नहीं रहते तो क्या हमारी फैमिली सपोर्ट करती?
आप है हमारे साथ, तभी ना हमको सब सपोर्ट कर रहे हैं, ढाल बन के खड़ा रहे ना। तो बस यही बात है, बाकी के हमारे हस्बैंड को पता है कि हम मेहनत करने में पीछे बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, इसलिए हमारे हस्बैंड और हमारा सपोर्ट करते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमारा सपोर्ट करके क्या करेंगे। हाँ, मेहनत भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, तो एकता बना के रहना पड़ेगा। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो आप लोग जल्दी जल्दी जाइए, बस 20-25 मिनट रह गए हैं। अभी भी जिन लोगों ने नहीं वोटिंग करी है, आप लोग जाइए वोटिंग करिए और ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करिए। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले वोटिंग कर दीजिए। बाय बाय, नमस्कार।